माय नेम इज वैभव वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो सो इन द लास्ट एपिसोड हम लोग को कर रहे थे एंड मैंने ये वाला एडवाइसमेंट करा था मैंने यहाँ से नीचे जंप लगाई थी लेकिन वो एडवाइसमेंट हुआ नहीं उसका एक रीज़न है uh, मैंने एक्चुअल में एक ब्लॉक नीचे से जंप लगाया था दैट मुझे वो वाटर बकेट ट्रिक वाला एडवाइसमेंट मिला नहीं क्योंकि मैंने जब वीडियो अपलोड करा देन मैंने आप लोगों के कमेंट्स में कि भाई तूने तो एक ब्लॉक नीचे से जंप लगाई है तो जो बिल्डिंग लिमिट है वो यहाँ तक है देखो मैं आपको एक बार ना दिखा देता हूँ भाई देखो यहाँ पर अगर मैं कोई ब्लॉक रखूँगा तो मैं इसके ऊपर नहीं रख सकता तो बिल्डिंग लिमिट यहाँ तक है बट मैंने लास्ट टाइम यहां से जंप लगाई थी तो वो मेरे से गलती हो गई थी बट एनीस हमको वो वाला एडवांसमेंट तो करना ही है सो so फिर से एक बार ये चीज़ करने वाला हुँ. किस तरफ जाना है या इस तरफ कूदना है एंड आई डोंट नो इस बार मेरे को कितने टैक्स लेने आई मीन मैं लेने वाला हूँ बट स्टिल ट्राई करते हैं लेट्स गो क्या पता पहली ट्राई में हो जाए कम यस माय गॉड गाइस मैं प्रो बन गया <laughs> आप लोग अभी मुझे प्रो बुला सकते हो क्योंकि मेरे मैंने इतने ऊंचाई से जंप लगाई और पहले पहले ही ट्राई में हो गया <laughs> तो एडवांसमेंट हमको मिल चुका है एंड अभी मैं मर चुका हूँ तो एक काम करते हैं यहाँ से अपना सारा का सारा सामान वापस लेते हैं और आज के दूसरे एडवांसमेंट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं ठीक है तो यहाँ से मैंने मेरा सारा का सारा सामान वापस ले लिया अपना इलाइटरा पेन लो आर्मर पेन लो सारा का सारा हे वी गो टोटो फंड यहाँ पे थोड़े से रॉकेट्स एंड ये तोड़ के नीचे चलो भाई बस नीचे मत गिरना हाँ नीचे गिर बट गिर जाता तो भी तो कुछ नहीं होता तो एंड ये वाला बेड यही पे मेरा क्यों ना अगर मेरे को बाद में जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो अभी सीधा नीचे चलते हैं हमारे चीकू के पास उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट अरे भाई मैं सीधा नहीं अरे यार मैं सीधा नीचे गिर गया यार मेरा यारोटम ऑफ अंडा वेस्ट हो गया बट इनवेज मेरे पास दो तीन और पड़े तो ठीक है वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया अभी सबसे पहले चीकू के पास चलते हैं एक सेकेंड हमारा यहाँ पे ये बबली क्या कर रहा है बबली यार तेरे को क्या हो गया तू यहाँ पे क्यों घूम रहा है पानी के उस तरफ जा भाई कौन अरे चढ़ आ ये चढ़ नहीं पा रहा है एक सेकेंड एक सेकेंड ओके ओके तो मैं समझ गया यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्लॉक्स का दिक्कत है एक काम कर तो इस तरफ आ तो हमारे चीकू के पास रह ले यहाँ पे बबली तू चीकू के पास ही रह तो अभी चीकू को रिस्पेक्ट देने के लिए आई डोंट हैव एनी थिंग एक सेकेंड मेरे पास में भी थोड़े से डायमंड्स है तो या डायमंड्स की रिस्पेक्ट दे रहे थे भाई मेरा सबसे प्यारा पेट था ये तो आई लव यू फॉर एवर तो चार डायमंड्स मैंने दे दिए गए एनी वेज डोंट वरी अभी सीधा अपने घर के अंदर चलते हैं घर के अंदर जाके देखते हैं कि आज हमको क्या करने का है सीधा घर के अंदर ऐसे एंट्री अरे यार थोड़ा सा थोड़ा सा रह गया हेलो हलो माउमा एंड ऑल माई पैट्स मेरे पास गोल्ड है और यार मेरे पास गोल्ड काफ़ी सारा है तो मुझे ना थोड़े से आ, गोल्डन कैरट्स बनाने का क्योंकि मेरे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास बस तेरह ही कैरेट्स बचे हैं एंड आई थिंक यहाँ पे मेरे पास कैरेट्स भाई मेरे पास कैट क्या है कैरेट है क्या अरे नहीं यार मेरे पास कैरेट्स नहीं है ये पोटैटोज है अरे भाई अभी मेरे को कैरट्स प्लांट करने पड़ेंगे क्योंकि कैरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेट खाने के मतलब मेरे पास गोल्ड है तो मैं इजिली उन्होंने गोल्डन कैरेट्स बना सकता हूँ तो अभी मेरे पास कैरेट्स थोड़े भी बचे हैं क्या मुझे थोड़े थो या फोर्टी थ्री कैरट्स है तो मैं काम करता हूँ मैं आधे पैरट्स को ना आई मीन I mean, कैरट्स क्या बोल रहा हूँ कैरट्स को प्लांट कर देता हूँ एंड बाकी के पैरट्स को मैं गोल्डन कैरट्स में कन्वर्ट कर दूँगा हैवी गो अभी मैं जल्दी से ये पोटैटोज यहाँ से तोड़ के प्लांट कर देता हूँ इन कैरट्स को यहाँ पर हैवी गो तो कैसे मैंने एक लेन तो प्लांट कर दिए और अभी जो बाकी के कैरट्स हैं उनको मैं बाद में कर दूंगा तो अभी सबसे पहले ये कैरट्स को मैं गोल्डन कैरट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ कैसे बनता है भाई Uh, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी मैंने कैसे बनाए थे कैरेट्स हेलो कोई बताएगा ओ oh, ये रहा गोल्डन कैरेट कैसे भी एक सेकेंड इसके लिए आयरन इंगट्स चाहिए आई I मीन mean, गोल्डन इंगट्स भाई काफ़ी सारे पेड़ मेरे को लगा इससे हो जाता है एनी वेज लेट्स मेक सम गोल्डन कैरेट्स हैवी को क्या आप इसकी रेसिपी यस yes. कितने बनेंगे बारह ओके बारह ट्व ट्वेंटी फाइव हो गए मुझे थोड़े से और चाहिए तो इसके लिए मुझे थोड़े से ए एक और सिक्सटी फोर का स्टैक है मेरे पास नगेट्स का इतने में काम हो जाएगा फिर से एक बार मैं थोड़े से और बना लेता हूँ ये रहे गोल्डन कैरेट्स लेट्स को या अब टोटल थर्टी थ्री आ गए या इतने इनफ है एंड जो मेरे पास अभी पोटैटोज़ है आ, खाने वाला चेस्ट ये सब कुछ मैंने इधर उधर किधर भी रख दिया है लिटरली मेरे पास मतलब तो आइटम सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक सिस्टम भी होता है वो भी बना लो यहाँ पे भी थोड़े से पोटैटोज़ है तो ये में भी मेरा खाने वाला चेस्ट है इसके अंदर ही सारे पोटैटोज मैं रख देता हूँ एंड में मेरे पास ना वाटर बकेट्स काफ़ी सारी हो चुकी है तो वाटर बकेट्स मेरे इसके अंदर है चल बॉक्स के अंदर है तो सारी की सारी वाटर बकेट मैं इसके अंदर रखने की सोच रहा हूँ तो यहाँ से वाटर बकेट्स निकाल के मतलब इनका कोई यूज़ भी नहीं है लेकिन अभी मैंने इतनी बना ली है क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ पर कि मैं एक ट्राई में ही कर लूँगा लेकिन वही गलती से या मतलब मैं प्रो चुका हूँ दैट्स वाई मैंने कर लिया मतलब फर्स्ट ट्राई में ही मैंने वो वाटर बकेट ट्रिक कंप्लीट कर ली अभी जल्दी से यहाँ पर ही सारी सारी वाटर बकेट्स रख देता हूँ मैं इट एवरी दैट इज़ एडिबल इवन इफ इट्स नॉट गुड फॉर यू ओके okay, तो मुझे बैलेंस डाइट करना है अभी तक मैंने नौ प्रकार की चीज़ें खाई है मुझे टोटल फोर्टी टाइप्स की चीज़ें खानी है ओके okay, तो काम करते हैं आसपास थोड़ा सा घूम के हिलाइट्रा में हेल्थ तो है मेरी आ, देख लेते हैं कि आसपास हमको और कौन से कौन से अलग अलग फ्रूट्स मिलेंगे जिनको मैं खा सकता हूँ मतलब अभी अभी तक मैंने नाइन फ्रूट्स को खाया है अभी मुझे बहुत सारे और खाने पड़ेंगे माइंड काफे वैसे कितने प्लांट्स होते हैं आई I मीन mean, क्या बोलते हैं उसको कितने फ्रूट्स होते हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है हेलो चिकन हेलो ये हाथी है क्या ओ you... oh, हाथी। आई मीन माइंड में हाथी कब से आ गए uh, वो... <laughs> वो बहुत प्यारा लग रहा है एक मुझे इस हाथी को टेम करना है, है बट वाटरमेलन मैंने इस हाथी को टेम कर लिया तो वह बहुत सही हो जाएगा मतलब मेरे पास एक नया भाई यहाँ पे काफी सारे हाथी है <laughs> ये बहुत प्यारे लग रहे हैं बट ये क्या खाते हैं ये वॉटरमेलन सीड्स इसने खा लिया What? OMG! Are you serious? Guys, guys, तो oh guys दोस्त मिल गया लिटरली हाथी आई I mean... <laughs> मीन बहुत प्यारा लग रहा है guys. वाओ wow. यार अभी मेरे पास एक नया pet आ चुका है जिसके ऊपर मैं राइड भी कर सकता हूँ ये एक हाथी है uh... मुझे यहाँ से और भी हाथी इसको लेके जाना है बट एनी अभी सबसे पहले काम करते हैं इसी को लेके चलते हैं एंड इसको मैंने वाटर खिला के टेम कर लिया ओके तो माइंड का अपने हाथी भी आ चुके हैं तो अभी मैं इसको अपने घर पे लेके जाऊँगा और इसको अभी अपना यू नो में पैड बना के रखूँगा अलव मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माइंड में हाथी की भी राइड करूंगा लेकिन भाई सर्वाइवल में हाथी की राइड करना सीरियसली नेक्स्ट लेवल है और मैं भी इसके अंदर यू नो मैं चेस्ट वगैरह भी रख सकता हूँ एंड आप इसकी हेल्थ भी देख सकते हो तो अगर मेरे ऊपर किसी ने अटैक भी करा ना तो भी मैं भी ये हाथी उसको मारेगा देखो आप इसके लड़न वगैरह है बट वो मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे ओह करेंगे करेंगे भाई मैं भी वो हाथ हाथी को नहीं भाई ये हाथी को मार रहे वो भाई जल्दी से अपने घर पर चलो घर पर चलो इसको मैं जल्दी से अपने घर पे लेके चलता हूँ क्योंकि ये सारे के सारे मोहब्स हाथी के ऊपर अटैक करे भाई जॉम्बीज है मतलब स्केलेटन ने उसको जैसे ही देखा वो उसके ऊपर एरो शूट कर रहा है बट आई थिंक स्केलेटन मेरे को ना इतनी ऊंचाई से देख नहीं पा रहा है देखो वो वहाँ पे है नोबड़ा कहीं का मेरे पास आने की कोशिश मत करियो ओ भाई उसको मार रही है इसका नाम क्या रखू मैं वैसे आ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस हाथी का मैं काम क्या नाम रखूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज सजेस्ट कर दो कि मैं इसका क्या नाम मतलब क्या नाम रखूँ एंड आप लोग जो बोलोगे वही मैं इसका नाम रखूंगा क्या ये पानी के अंदर चल सकता है ओ यस ये हाथी पानी के अंदर तैर भी सकता है मतलब ये घोड़े जैसा नहीं है घोड़ा जैसे ही पानी के अंदर जाता है उसको दिक्कत होती है आ, लेकिन हाथी पानी के अंदर तैर सकता है तो उस कारण इसको मार रहा है मुझे हाथी को जल्दी से ना खाना खिलाना पड़ेगा ये वैसे वाटर मेलन सिखाता है मैंने देखा था क्योंकि मैंने इसको रैंडमली वाटर मेलन खिला दिए और वो टे भी हो गया तो भी जल्दी से इसको अपने घर पे लेके चलते हैं गाइस मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हमारे पास एक नया पेड़ आ चुका है क्या मैं हाथी पे बैठ के इनको मार सकता हूँ अरे मेरे पास एरोज नहीं है ना अगर एरोज होते तो मैं हाथी पे बैठ के इनको मार सकता था वैसे मैं यहाँ से इनको मार सकता हूँ नहीं यारे नहीं मार सकता क्योंकि हाथी की हाइट बहुत ज्यादा है तो अभी जल्दी से इसको अपने घर के अंदर लेके चलते हैं बट घर के अंदर मैं इसको रखूंगा कहाँ पे इसको रखने के लिए मुझे एक नया घर भी बनाना पड़ेगा भाई ध्यान से नीचे मत गिरी ओ भाई सॉरी सॉरी मतलब मैंने जंप लगाई दैट्स लगा इसको यू नो थोड़ा सा डैमेज आया बट इसको मैं अंदर कहाँ से लेके जाऊँगा क्योंकि मेरे घर के अंदर जाने की इतनी बड़ी एंट्रेंस है ही नहीं तो अभी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसके लिए अलग सा घर बनाना पड़ेगा मेरी एंड ये बहुत कुछ लग रहा है आई मीन धीरे धीरे हम यू नो हाथी की भी ब्रीडिंग करवाएंगे तो घर के अंदर जाने के लिए मुझे एक रास्ता बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये यह यहाँ पे फिट नहीं होगा एक काम करते हैं हाथी यहाँ पे थोड़ी देर रुक मेरे साथी मैं जल्दी से आ, ये क्रीपर अरे यार क्रीपर भी आ रहा है मेरे पीछे मैं जल्दी से यहाँ से रास्ता बना देता है अरे यार ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए यार मेरे पास मेरी वो नहीं है बस बस नहीं, ब्लास नहीं। ब्लास अरे मरना यार आ, अरे यार एक तो जगह मैंने इतनी अच्छी प्लेन कर रखी थी क्रीपर फूट गया बट एनी वेज अभी जल्दी से ये मैं तोड़ देता हूं ताकि हम हाथी को अंदर लेके आ सके हाथी काफी बड़ा है तो ये इतनी इजीली इसके अंदर नहीं आएगा ठीक है मैंने इसको तोड़ दिया अरे उधर किधर जा रहा है किलो अरे, अरे अरे तेरा घर ये से चल इधर इस वीडियो को पॉज करो कॉमेंट सेक्शन में जाओ एंड कॉमेंट करो कि इसका नाम मैं क्या रखू Uh, क्योंकि मेरे को अभी कोई नाम सूझ नहीं रहा एंड मैं नाम रखने में बहुत ज़्यादा अजीब हूँ मतलब मेरे को ठीक से नाम रखना नहीं आता तो देखो भाई मतलब मेरे कासल के सामने ये हाथी कितना बड़ा लग रहा है मैं लिटरली यहाँ से सेकेंड फ्लोर पर जा सकता हूँ <laughs> तो अभी इसको कहाँ पे लेके जाओ मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा uh, मैं एक काम करता हूँ इसको ना अभी के लिए मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ एंड देन सुबह होने के बाद ही मैं एक अच्छी सी जगह देखेंगे जहाँ पर मैं इस हाथी को रख सकता हूँ Uh, अभी के लिए मैं इस हाथी को uh, यहीं पे छोड़ देता हूँ yeah. या एक काम कर ले तो हमारे इस रेड कारपेट पे आज के लिए रुक जा एंड यहीं पे रुक जा कितना भाई ये कितना प्यारा लग रहा है अभी सबसे पहले काम करता हूँ मैं उस जगह को बंद कर देता हूँ जहाँ से मैंने ये हाथी को मैं अंदर लेके आ गया नहीं तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाएंगे एंड वैसे भी मुझे यहाँ पे ना अभी एक नया गेट ब मतलब बनवाना ही पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं हाथी को अंदर लेके कर आऊँ तो जल्दी से मैं ये जगह को बंद कर देता हूँ ओके okay, मैंने इसको बंद कर दिया अभी यहाँ से कोई अंदर नहीं आ पाएगा और यहाँ पर हमारा छोटा सा मे वी नॉर्मल गेट था एनी अभी मैंने इस जगह को बंद कर दिया और थोड़े से कॉबल स्टोन्स नहीं काबल स्टोन्स नहीं यहाँ से मैंने एक छोटा सा रास्ता बनाया था तो मैं यही से ना एक बड़ा सा गेट बना दूंगा कि मैं अपने कसिल के अंदर एंटर कर सकूँ नहीं यहाँ से नहीं इधर से किधर से बनाते अगर मैं यहाँ से बनाऊँगा ना तो वो दिखने में काफ़ी सही रहेगा देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से गेट बनाऊँगा ना तो मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारा दूसरा गेट यहाँ पे होगा यहाँ पे मैं एक बड़ी सी एंट्रेंस बना दूंगा जिसकी मदद से मैं यहाँ पे बाकी के हाथीस को भी लेके आ सकता हूँ एक सेकेंड अरे यहाँ पे कैसे आ गया हलू? एक सेकेंड क्या ये ये छोटी सी जगह से जा सकता है आई डोंट थिंक सो यार अभी ये फेंस के अंदर आ गया तो पता नहीं अभी मैं इसको यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा मुझे पूरा का पूरा फेंस तोड़ना पड़ेगा बट जैसे मैं इससे नीचे उतर रहा हूँ ना मेरे को डैमेज आ रहा है बट एनी वेज अभी सबसे पहले काम करते हैं अभी सीधा सोने के लिए जाते हैं क्योंकि अंदर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड दे uh, इसके रहने के लिए हम कोई अच्छी सी जगह बनाएंगे या नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके लिए यू नो एक बहुत प्यारा सा एक हाथी हाउस बनाएंगे आई मीन एलिफेंट हाउस मैंने कभी माइंड का में हाथी कभी मतलब देखा नहीं है ये मेरा फर्स्ट टाइम है uh, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से मेरे पास वाटर मेलन से फोर का पूरा का पूरा स्टैक है गाइस तो अभी मैं जल्दी से जाके उसको थोड़े से वाटर मेलन खिला देता हूँ ताकि उसकी हेल्थ रिकवर हो सके क्योंकि लास्ट टाइम उसको थोड़ा सा डैमेज आया है uh, इधर आ जाए इधर आ चलो चल चल चल, चल इधर आ जाए ये ले थोड़े से खा ले अरे अरे जैसे मैं इससे नीचे उतरता हूँ ना मेरे को ही डैमेज आ रहा है ये ले खा ले सेकेंड इसकी हेल्प पूरी होगी मतलब इसका जो आर्मर है वो रिकवर हो चुका है बट मैं जैसे इससे नीचे उतरता हूं मेरे को डैमेज आ रहा है मेरा आधा हार्ट का मेरे को डैमेज मिल रहा है तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस हाथी को मैं यहीं पे आ, मतलब रहने के लिए देता हूं एंड बाद में इसके लिए मैं यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह देख के घर बना दूंगा एंड वैसे भी ये हमारा जो रेलवे जंक्शन है ना ये अभी पुराना हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी जगह पे इसके लिए क्यों ना बहुत बड़ा सा एक घर बना लिया जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं तोड़ दूँ क्योंकि रेलवे जो हमारा ये रूट है वो तो अभी हम इसको यूज़ करते है, नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं इसको जल्दी से यहाँ से तोड़ देता हूँ ये पिगलिंग भाई इस माइंड कार्ड के अंदर बैठ चुका है पता है ये कब से है तो इसका ना अभी मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ सो दैट्स से मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी मैं तोड़ देता हूँ हो गया मैंने पूरा का पूरा ये जो प्लेटफॉर्म था हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म उसको यहाँ से हटा दिया है और ये क्लियर हो चुका है तो ये जगह में भी काफ़ी बढ़िया रहेगी हाथी को रखने के लिए एंड उसके ऊपर उन्होंने मैं राइड करके भी कहीं पे भी देन जा सकता हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे ऊँ य यहाँ पे एक मैं छोटा सा प्यारा सा एक जू भी बना दूँ जिस जू के अंदर हमारे सारे सारे एनिमल्स रहेंगे मतलब अभी हमारे जो नॉर्मल एनिमल्स है वो यहाँ पर रहते हैं ठीक है इस फेंस गेट के अंदर लेकिन ये हाथी बहुत बड़ा है इसको हम एक फेंस गेट के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि यू ना वो उसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा तो उसके लिए एक बड़ा सा जायंट सा घर होना चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से यहाँ तक बना दूँ एंड यू नो एक वो अगर हाथी का घर होगा ना तो वो बहुत प्यारा लगेगा तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं यहाँ पे हाथी के लिए घर बनवा दूंगा लेकिन अभी मेरे को ना एक और चीज़ करनी है क्या मैं इस लीड की मदद से उस हाथी को खींच सकता हूँ अगर ऐसा हो गया तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि यू you नो know, मैं उसको दिन बांध के रख सकता हूँ मतलब मुझे उसको बांधना नहीं है अगर मुझे दूसरा हाथी लेके आना होगा तो मैं उसको इसकी मदद से लेकर आ सकता हूँ आई येस ओ एम जी गाइज मैं इस हाथी को लीड भी बांध सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे यू नो खींच भी सकता हूँ एंड अगर मैं कहाँ पे चला गया मतलब इसको किसी एडवेंचर पर मैं लेके चला गया तो इसको ना मैं ऐसे ऐसे बांध भी सकता हूँ ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए लेकिन मैं इसको भी यहाँ पे बांधने नहीं वाला इसको मैं यू नो फ्री यहाँ पे रह, मतलब रहने देने वाला हूँ क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एंड एक जाइंट हाथी पेट है मतलब हाथी वैसे पेट नहीं होता सो गाइज मेक श्योर कि प्लीज़ आप कोई एक अच्छा सा नाम इसके लिए कॉमेंट सेक्शन में यू नो सजेस्ट कर दो मुझे ताकि मैं इसको नाम दे सकूँ एंड मेरे पास क्या नेम टैक्स पड़े हैं आई डोंट नो अगर नहीं पड़े होंगे तो मुझे किसी विलेजर को यू नो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना पड़े पड़ेगा तभी मेरे को नेम टैक्स मिलेंगे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास थोड़े से नेम टैक्स पड़े Yes, I have three name tags, तो मैं उसका यू नो नामकरण कर सकता हूं so, जैसा की यहाँ पेल्ड में चुका है तो so, अभी से जो माइंड काफ के वीडियो आने वाले ना उसमें आपको बहुत ओपी कंटेंट देखने को मिलने वाला है बिकॉज नए नए एनिमल्स है उनको कैसे टेम करना है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन हम धीरे धीरे यू नो सीख लेंगे एंड ऐसे ही अभी बहुत सारे नए एनिमल्स को हम टेम करने वाले उनको हम हमारा पेड बनाएंगे उनकी उनकी आर्मी बनाएंगे मतलब बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। so, प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम इस हाथी छोटा सा प्यारा सा घर बनाने वाले जहाँ पे वो रहेगा एंड प्लीज कॉमेंट सेक्शन करो मुझे एंड फाइनल नेक्स्ट बाई बाई